वही क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास यहाँ पे देख लेते हैं, बॉडी ऑफ मास 5 kg, ठीक है, मास कितना है 5 kg, फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर टू 4 मीटर, फॉल्स फ्रॉम 10 मीटर टू 4 मीटर, 10 मीटर से 4 मीटर पे, यहाँ 10 मीटर था और यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ 10 मीटर से ये 4 मीटर पे फॉल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है, यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर, और यहाँ पे जो ग्रेविटी लग रही है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये फर्स्ट वाले बॉडी का है। अब जो सेकेंड फर्स्ट बॉडी लिख लेता हूँ, अब जो सेकेंड बॉडी है यहाँ पे देखिए, फ्रॉम 10 मीटर टू 4 मीटर, यहाँ 10 मीटर से 4 मीटर। तो देखो यहाँ पे जो, यहाँ पे देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना लगा होगा, क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ पे कितना पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है ऊपर, और फिर बोल रहा है कि भाई यहाँ नीचे कितना पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी लग रहा होगा, देखिए ऊपर जो टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी कितना लग रहा होगा बच्चों, MgH, और यहाँ बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी कितना लग रहा होगा, MgH, राइट। यहाँ पे देखिए मास कितना है 5 kg, हाइट कितनी है 10, और ग्रेविटी भी 10, तो कितना हो जाएगा 500 जूल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी, नीचे इस पॉइंट पे यहाँ पे 10 से 4 मीटर में जब वो है, तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, तो मास तो वही रहने वाला है भाई, ग्रेविटी भी वही रहने वाली है, पर देखो यहाँ पे हाइट चेंज हो गई, यहाँ पे हाइट है 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन कह रहा हूँ सर, 200 जूल, राइट। अब क्या कह रहा है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 500 जूल माइनस 200 जूल, तो कितना हो जाएगा इस पे 300 जूल, राइट। तो देखिए आंसर चेक कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल, देखो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, जब मैं इनिशियल यहां से फाइनल को माइनस कर, जब मैं फाइनल से सॉरी यहां पे निकला, ठीक है, और जब मैं इस वाले से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा मेरा, है ना, जो बड़ी हाइट वाला है उससे मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, जो कि क्या है 300 जूल। तो काफी इजीली मैंने यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड है टोटल एनर्जी पॉजिस बाय अ बॉडी एट इंस्टेंट, यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी कितने पॉजिस की होगी इसने, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी पॉजिस की होगी देखते हैं। यहाँ पे पहले था और यहाँ पे ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पर 4 मीटर था, यहाँ पे ये कितना था 10 मीटर, तो यहाँ पे ये एनर्जी कितनी लगा रहा था, तो देखो टोटल एनर्जी पॉजिस में क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे देखिए बहुत प्यार से देखिएगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम, ये बोल सकता हूँ, मैंने आपको बताया था ये जब हम कर रहे थे, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम ऑब्वियस सी बात है कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम कितनी हो रही है, देखो ना यहाँ से जब ये यहाँ से नीचे गिर रहा है तो कितना हो रहा है 500 जूल, तो देखो कितना आ जाएगा 0 + 500 जूल, 500 जूल इज माई आंसर। और ये जब आप देखो आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो ये आपको बच्चे इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, बिना इंट्रोडक्शन देखे नहीं होगा कुछ, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये वाला भी हमारा हो चुका है, नेक्स्ट करते हैं।